हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग आउटलायर रिमूवल एंड डिटेक्शन पढ़ रहे हैं और आज हम लोग सेकंड टेक्निक सीखेंगे, विच इज आउटलायर डिटेक्शन एंड रिमूवल यूजिंग IQR एंड बॉक्स प्लॉट। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, बिफोर स्टार्टिंग ये बात क्लियर होना चाहिए कि ये मेथड आप स्पेशली कब यूज करते हो। ये मेथड आप तब यूज करते हो जब आपके डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा स्क्यूड होता है, ठीक है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ना हो, स्क्यूड हो, तब आप ये वाला मेथड यूज करते हो, ठीक है? अब लेट्स टॉक अबाउट दिस मेथड कि क्या होता है इसमें। इस मेथड को यूज करने के लिए आपको दो तीन चीजों का नॉलेज होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, बॉक्स प्लॉट क्या होता है। सेकंड, IQR क्या होता है। ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? तो ये जो आपके स्क्रीन पर अभी है, इसको हम बॉक्स प्लॉट बोलते हैं, और आप किसी भी न्यूमेरिकल कॉलम का बॉक्स प्लॉट प्लॉट कर सकते हो और वो ऐसा दिखाई देता है रफली, ठीक है? अब बॉक्स प्लॉट में होता क्या है कि बॉक्स प्लॉट में आपके परसेंटाइल्स होते हैं। आई होप आपको ऑलरेडी परसेंटाइल्स के बारे में पता होगा। सो परसेंटाइल्स मतलब जैसे 25 परसेंटाइल, 50th परसेंटाइल जिसको कि आप मीडियन बोलते हो, देन 75 परसेंटाइल एंड देन 100 परसेंटाइल। सो आई गेस आपको परसेंटाइल का मतलब पता होगा कि 100 परसेंटाइल का मतलब है कि 100% वैल्यूज उस कॉलम में उस पर्टिकुलर वैल्यू से नीचे है। लाइक आई विल गिव यू वन एग्जांपल। लेट्स से एज कॉलम है हमारे पास और यहाँ पे अलग अलग वैल्यूज हैं, 72, 89, 15, 16, और लेट्स से हमारा 100 परसेंटाइल वैल्यू इज 89। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाकी की सारी वैल्यूज 89 से कम है। दैट इज व्हाट 100 परसेंटाइल इज, ठीक है? और 0 परसेंटाइल मतलब 100 परसेंटाइल वैल्यू इज द मैक्सिमम वैल्यू। मतलब मैं थोड़ा सिंपल टर्म्स में बता देता हूँ, मैक्सिमम वैल्यू इज द 100 परसेंटाइल वैल्यू एंड 0 परसेंटाइल वैल्यू इज द मिनिमम वैल्यू। मतलब इससे छोटा और कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है? 25th परसेंटाइल का मतलब हुआ कि 25% वैल्यूज आपके किस पर्टिकुलर वैल्यू से कम है। 50th परसेंटाइल का मतलब है कि आधी वैल्यूज इस करंट वैल्यू से कम है, इसीलिए उसको मीडियन बोला जाता है, ठीक है? तो ये जो IQR, ये जो बॉक्स प्लॉट है, ये पूरा का पूरा परसेंटाइल वैल्यूज के ऊपर ही प्लॉट होता है, ठीक है? सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबसे पहले आपने ये जो पॉइंट है, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, ये आपका Q1 है, मतलब 25th परसेंटाइल। ये जो पॉइंट है, ये आपका Q3 है, मतलब 75th परसेंटाइल, ठीक है? और ये जो पॉइंट है, ये आपका मीडियन है, मतलब 50th परसेंटाइल, ठीक है? उसके बाद बॉक्स प्लॉट में विस्कर्स होते हैं। ये जो आपको दिख रहा है, ये चीज, दिस इज कॉल्ड विस्कर, ठीक है? जैसे कैट्स के विस्कर होते हैं। और ये विस्कर्स कैसे कैलकुलेट होते हैं, यूजिंग दिस फॉर्मूला, Q3 + 1.5 times IQR, ठीक है? Q3 तो समझ में आ गया, 75th परसेंटाइल। व्हाट इज IQR? सो IQR इज दिस रेंज, ये जो रेंज आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन 75th परसेंटाइल एंड 25th परसेंटाइल। सो अगर आपने अपनी परसेंटाइल वैल्यूज कैलकुलेट कर रखी हैं, तो आप बहुत इजीली IQR निकाल सकते हो। तो आपका मैक्सिमम कैसे कैलकुलेट होता है, बाय दिस फॉर्मूला, Q3 + 1.5 times IQR। और सिमिलरली आपका मिनिमम वैल्यू कैसे कैलकुलेट होता है, Q1 - 1.5 times IQR। और जो भी वैल्यूज आपके डेटा में इन वैल्यूज के दूसरी तरफ होती हैं, उनको आपका बॉक्स प्लॉट आउटलायर कंसिडर करता है। जैसे यहाँ पर यू कैन सी ये चार वैल्यूज जो हैं, ये हमारे विस्कर्स के बाहर आ रहे हैं, तो इनको आप आउटलायर बोल सकते हो। और इस पूरी चीज को, ये जो फॉर्मूला है, इसको बोला जाता है IQR प्रॉक्सिमिटी रूल, ठीक है? तो ये भी एक तरीका है एक स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन का आउटलायर्स निकालने का। सो अगर आपके पास कोई भी स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि नॉर्मल नहीं है, उसके ऊपर आप ये वाला अप्रोच लगा के उसके आउटलायर्स को डिटेक्ट भी कर सकते हो और उसको रिमूव भी कर सकते हो। तो प्लान बहुत सिंपल है गाइस। हम क्या करेंगे, हमारे पास एक डेटा होगा, हम उस डेटा में ऐसा कॉलम फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करेंगे जो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा, स्क्यूड होगा, ठीक है? और फिर हम क्या करेंगे,
हम उस पर्टिकुलर कॉलम के ऊपर हम उसका IQR निकालेंगे, उसका Q1 निकालेंगे, उसका Q3 निकालेंगे, और फिर हम उसका अपर लिमिट और लोअर लिमिट निकालेंगे, और जो भी वैल्यूज इन अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बाहर होंगी उनको हम आउटलायर कंसिडर करके या तो ट्रिम कर देंगे या तो कैप कर देंगे। हम दोनों अप्रोचेस डिस्कस करेंगे, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट विद द कोडिंग पार्ट। सो कोड मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, आई विल जस्ट वॉक यू थ्रू दिस कोड। ये एग्जैक्टली वही डेटा सेट है जो हमने लास्ट वीडियो में यूज किया, प्लेसमेंट वाला डेटा सेट। सो यू कैन सी हमारा जो डेटा सेट है इट कंसिस्ट ऑफ 3 रोज, CGPA ऑफ द स्टूडेंट, प्लेसमेंट एग्जाम में मार्क्स कितने आए, और फाइनली प्लेसमेंट हुआ कि नहीं। ये किसी कॉलेज के प्लेसमेंट सेल का डेटा है। और यहाँ पर जब मैंने मेरे इन दोनों कॉलम्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट निकाला, PDF प्लॉट किया, तो आई सॉ कि एज इज फेयरली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, वेयर एज आपका जो प्लेसमेंट एग्जाम के मार्क्स वाला कॉलम है ये स्क्यूड है, ठीक है? और ये आप एक्चुअली पैंडास के स्क्यू मेथड से भी निकाल सकते हो। PD डॉट एक्चुअली नॉट PD डॉट DF का प्लेसमेंट एग्जाम मार्क्स डॉट स्क्यू अगर मैं कैलकुलेट करूं तो यू कैन सी 0.83 है, ठीक है? तो ये राइट स्क्यूड है, ओके? वही अगर मैं एज के ऊपर करता तो ये जीरो के बहुत क्लोज, एज नहीं, आई एम सॉरी, CGPA के ऊपर करता तो ये जीरो के बहुत क्लोज आता। यू कैन सी -0.01, बहुत क्लोज है जीरो के, बिकॉज वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो वी कैन क्लियरली सी कि यहाँ पर एक कॉलम है विच कैन बी द कैंडिडेट फॉर IQR वाला मेथड, ठीक है? तो वही करते हैं हम लोग। अब मैंने क्या किया, मैंने जस्ट 1 सेकेंड, मैंने एक्चुअली एक गलत नोटबुक ओपन कर रखा है, दैट वॉज 42nd डे वाला नोटबुक। सो आई जस्ट रन दिस वन मोर टाइम, और सेम डेटा, सब कुछ सेम, और ये रहा हमारा डेटा का प्लॉट। और फिर मैंने क्या किया, मैंने प्लेसमेंट एग्जाम मार्क्स को डिस्क्राइब कर लिया। तो यू कैन सी टोटल 1000 स्टूडेंट्स का डेटा है, मीन मार्क्स है 32, ठीक है? स्टैंडर्ड डेविएशन है 19 का, किसी के 0 मार्क्स भी आए हैं, और 25% बच्चों का मार्क्स 17 के नीचे है, 50% बच्चों का मार्क्स 28 के नीचे है, और 75% बच्चों का मार्क्स 44 के नीचे है, और कोई बहुत भयानक टॉपर है जिसके 100 मार्क्स आए हैं इतने डिफिकल्ट पेपर में। सो हैट्स ऑफ, कॉन्ग्रैट्स। सो अब मैं आपको जल्दी से बॉक्स प्लॉट दिखाता हूँ। यू कैन सी बॉक्स प्लॉट में, यू कैन सी कि सिंस ये राइट स्क्यूड डेटा है, आपके जो आउटलायर्स हैं वो लेफ्ट साइड में है, मतलब ज्यादा वाली साइड में है, तो ये आपके आउटलायर्स हैं। तो अब हमारा काम है बस इनको निकालना, इनको फेच करना डेटा में से, और फिर उनके ऊपर जो भी हमें परफॉर्म करना है ऑपरेशन वो हम परफॉर्म करेंगे। इधर वी विल डू ट्रिमिंग और वी विल डू कैपिंग, मैं आपको दोनों करके दिखाऊंगा, ठीक है? तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको क्या करना है, IQR कैलकुलेट करना है। IQR कैलकुलेट करने के लिए आपको 25th परसेंटाइल चाहिए, 75th परसेंटाइल चाहिए। तो मैंने सबसे पहले 25th परसेंटाइल निकाला, जो कि बेसिकली इस कॉलम का क्वांटाइल फंक्शन को कॉल करके मैंने यहाँ पे 0.25 दे दिया। और जब मैंने इसको रन किया, मतलब अगर मैं सेल को रन कर दूं, तो ये रहा मेरा 25th परसेंटाइल वैल्यू 17। ऊपर आपने डिस्क्राइब में भी यही नोटिस किया होगा कि 25th परसेंटाइल इज 17, ठीक है? सिमिलरली आपका 75th परसेंटाइल इज 44। वी कैन क्रॉस चेक दैट कि अगर हम यहाँ पे 75 डालें तो इट इज 44, ठीक है? तो अब मेरा IQR अगर मुझे निकालना है तो मुझे बस Q3 -Q1 करना है और मुझे मेरा IQR मिल जाएगा, दैट इज 27, ठीक है? अब मेरा अपर लिमिट क्या होगा, मेरा अपर लिमिट होगा Q3 प्लस 1.5 टाइम्स IQR, और मेरा लोअर लिमिट होगा Q1 -1.5 टाइम्स IQR, और ये रहे मेरे नंबर्स। सो यू कैन सी अपर लिमिट तो बहुत कम आ रहा है, 84 ही आ रहा है, और लोअर लिमिट तो मतलब लोअर लिमिट के साइड कोई आउटलायर नहीं होगा, बिकॉज मिनिमम मार्क्स 0 हैं, हम तो अलाउ कर रहे हैं -23.5 तक, तो जो भी चक्कर पड़ेगा वो अपर लिमिट के साइड पड़ेगा, ठीक है? तो नाउ कम्स द क्वेश्चन, लेट्स फाइंड आउट द आउटलायर्स। बहुत सिंपल है, मैंने इस कॉलम के ऊपर ये कंडीशन लगा दिया और कुछ 15 आउटलायर्स मिले मुझे। ये रहे अपने वो स्टूडेंट्स, 94, 86, 86, 93, 90, ये सारे वो स्टूडेंट्स हैं जो लोग
हमारे डेजिग्नेटेड वैल्यू से ज्यादा स्कोर कर रहे हैं तो आउटलायर्स हैं, ठीक है. और लोअर लिमिट ऑब्वियसली कोई भी ऐसा नहीं होगा, बिकॉज लोअर लिमिट -23 है और मिनिमम वैल्यू 0 है, तो इस साइड हमें कोई आउटलायर नहीं मिलेगा. तो पहले मैं आपको ट्रिमिंग करके दिखाता हूँ. ट्रिमिंग के केस में मैंने कुछ नहीं किया, बस ये कंडीशन लगा दिया कि मुझे सिर्फ वो रोज चाहिए जहां पे प्लेसमेंट एग्जाम मार्क्स कॉलम का वैल्यू शुड बी लेस देन अपर लिमिट, और उसको मैंने एक नए डेटा फ्रेम में स्टोर कर दिया. और जब मैंने उसको देखा तो 15 रोज हट गए हैं और मेरे पास सिर्फ 985 रोज बच गए, 15 आउटलायर्स को मैंने रिमूव कर दिया. और फिर मैंने साइड बाय साइड कंपेयर किया पुराने वाले डेटा को और नए वाले डेटा को, तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ खास चेंज नहीं हो रहा, बस यू कैन सी इस पॉइंट पे थोड़ा सा फ्लैट हो गया है कर्व, ठीक है, क्योंकि इधर वाले वैल्यूज हट गई, इधर वाली वैल्यूज हट गई, तो थोड़ा सा फ्लैट हो गया कर्व, ठीक है. और बॉक्स प्लॉट में यू कैन सी सारे आउटलायर्स हट गए, बस मेरे को समझ भी नहीं आया ये एक आउटलायर क्यों कंसिडर हो रहा है. मुझे बस न्यू डीएफ के बारे में पता करना पड़ेगा. बट या मोर और लेस हमने सारे आउटलायर्स रिमूव कर दिए ट्रिमिंग करके, ठीक है. अब लेट्स से आप बोल रहे हो कि 15 तो बहुत ज्यादा बड़ा नंबर है, मुझे ट्रिमिंग नहीं करना चाहिए था, मुझे कैपिंग करना चाहिए था, तो आप वो भी बहुत इजीली कर सकते हो. मैंने जैसे आपको लास्ट वीडियो में बताया था, हम एग्जैक्टली वही काम कर रहे हैं. मैंने ओरिजिनल डेटा फ्रेम कॉपी कर लिया इस नए डेटा फ्रेम में और मैंने एनपी डॉट वेयर का लॉजिक लगाया. एनपी डॉट वेयर मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था. एनपी डॉट वेयर में आप क्या करते हो कि आप तीन चीजें भेजते हो. एनपी डॉट वेयर में आप तीन चीजें भेजते हो. फर्स्ट होता है कंडीशन. अगर कंडीशन ट्रू है तो क्या करना है, अगर फॉल्स है तो क्या करना है, ठीक है. अगर ये कंडीशन ट्रू है तो क्या करना है और फॉल्स है तो क्या करना है. तो मैंने क्या किया, एनपी डॉट वेयर लगाया इस पर्टिकुलर कॉलम के ऊपर और ये कंडीशन रखा कि अगर इस कॉलम के किसी भी रो का वैल्यू अपर लिमिट से ज्यादा है तो मैं उस वैल्यू को अपर लिमिट से रिप्लेस कर दूंगा, अगर नहीं है तो मैं चेक करूंगा कि उस कॉलम के किसी भी रो का वैल्यू लोअर लिमिट से कम है, अगर है तो मैं उसको लोअर लिमिट से रिप्लेस कर दूंगा, अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू नहीं है तो मैं उस वैल्यू को एज इट इज रहने दूंगा. सिंपलर टर्म्स में मैं उस पर्टिकुलर कॉलम के हर वैल्यू को उठा रहा हूं और उससे पूछ रहा हूं क्या तुम अपर लिमिट से बड़े हो, अगर हो तो तुम्हारा वैल्यू अपर लिमिट, अगर नहीं तो मैं चेक कर रहा हूं क्या तुम लोअर लिमिट से छोटे हो, अगर हाँ तो तुम लोअर लिमिट, अगर तुम दोनों नहीं हो तो जैसे हो वैसे ही रह जाओ, ठीक है. बस ये कोड यहाँ पे लिखा हुआ है और इस कोड को रन करने के बाद यू कैन सी कि मेरा जो नया डेटा फ्रेम है उसका शेप अभी भी 1000 रोज है, कोई भी रोज हमने एलिमिनेट नहीं किया. और फिर मैंने साइड बाय साइड जब प्लॉटिंग किया तो यू कैन सी कि बॉक्स प्लॉट में क्लियरली हमारे पास कोई भी आउटलायर्स नहीं है. और यहाँ पर अगर आप पीडीएफ को देखो तो यहाँ पे इस जगह पे पीडीएफ थोड़ा सा उठ गया है. उसका रीजन क्या है कि जो भी आगे वाली सारी वैल्यूज थी उनको आपने कैप करके 84 कर दिया, तो 84 के अराउंड आपका डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा बढ़ गया है क्योंकि अब वो वैल्यूज ज्यादा है आपके डेटा में, 15 वैल्यूज ज्यादा है, ठीक है. तो दैट्स इट, यही होता है. मतलब दिस इज अ फेयरली सिंपल मेथड. मैं आपको एक बार समराइज कर देता हूँ कि अगर आपके पास एक ऐसा कॉलम है जो थोड़ा स्क्यूड है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, उस तरह के डेटा के ऊपर आप IQR प्रॉक्सिमिटी रूल लगा करके अपर और लोअर लिमिट निकाल लो. जो भी वैल्यूज इन अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बाहर हो उनको आप आउटलायर्स मान सकते हो, और फिर उसके बाद आपका डिसीजन है कि आप उनको ट्रिम करना चाहते हो या कैप करना चाहते हो. दोनों ही केसेस में आपके आउटलायर्स आपके सिस्टम से निकल जाएंगे, ठीक है. तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस एंटायर टेक्निक. बहुत सिंपल है, किसी डेटा के ऊपर ट्राई करके देख लेना, दैट्स इट, और इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना. सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय.